थोड़ा सा जगह होगा शिवानी शर्मा एमपी जबलपुर। मेरा मतलब मैंने सुना था टॉय ट्रेन के बारे में, तो इसलिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस मतलब सुना है इसके बारे में। टॉय ट्रेन के लिए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगा और आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी। दादा आपका नाम? अंकुर शर्मा। कहाँ से आए? मैं जबलपुर से आया हूँ एमपी से। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग दार्जिलिंग जा रहे हैं। तो ये एसी टॉय ट्रेन कोच कैसा लग रहा है आके देखने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। तो मतलब जब बुकिंग किए थे तब मालूम था आपको? हाँ, थोड़ा बहुत नेट पर सर्च किया था, बट आके ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। टॉय ट्रेन का कोई पहले एक्सपीरियंस या? नहीं नहीं नहीं। तो कितना एक्साइटेड है? बहुत एक्साइटेड है, देखते हैं ट्रिप कितना अच्छा होता है। आज हम लोग DHR की तरफ से समर सीजन का स्वागत कर रहे हैं, और समर सीजन का स्वागत हम लोग दो चीज़ों से कर रहे हैं। एक तो हम लोग एक समर फेस्टिवल लेके आ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग का जो DHR का स्टेशंस हैं वहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ उत्सव करेंगे। जैसा आज आप देख रहे हैं NJP स्टेशन में हम लोग कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ पे केक कटिंग होगा और नया सीजन का हम लोग स्वागत करेंगे, सारे पैसेंजर का हम लोग स्वागत करेंगे, और ये उम्मीद करेंगे कि ये जो समर सीजन है ये खुशी का सीजन रहे और सब लोग जो है अपना हॉलीडे को अच्छे से एंजॉय करें। सर, क्या बेसिक मोटो है बेसिकली इसके पीछे? मोटो है, आपको जैसे पता है DHR जो है इन भारत के विरासत को सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है, और हम लोग टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, लोकल जो कल्चर है उसको हम लोग प्रमोट करते हैं। हम लोग का ये तीन जो है थीम है। तो जैसे आपको पता है अभी हम लोग आज से AC सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं NJP टू दार्जिलिंग, तो ये एक टूरिस्ट के बेनिफिट के लिए, क्योंकि अभी समर सीजन में बहुत सारा डिमांड रहता है कि कर्शियांग तक काफ़ी गर्मी पड़ती है, उसके ऊपर तो ठंडा आ जाता है, लेकिन अप टू कर्शियांग पैसेंजर्स का ये डिमांड था कि थोड़ा सा कंफर्ट मिले। विस्टाडोम 1 अप्रैल से हम लोग जितना भी जॉय राइड सर्विस है दार्जिलिंग टू घूम एंड बैक, उसमें हम लोग विस्टाडोम सर्विस कर देंगे, ताकि अच्छा व्यू जो है देख पाएँ, और हम लोग थोड़ा सा हमारा जो प्राइस जो है हम लोग का थोड़ा कम कर दिए हैं, हम लोग कटौती कर दिए हैं। सर, ये दो साल नहीं चला, ये ठीक नहीं है। हम लोग सितंबर से जो अगस्त से चालू किया है, और आपको बताने के लिए मेरा ये खुशी है बताने के लिए, सितंबर के बाद हर एक महीना हम लोगों का रिकॉर्ड पैसेंजर जो है ट्रेन में चढ़े। वही सर, ग्रोथ कितना परसेंट हुआ है अगर कहा ग्रोथ जो पूरा इतिहास में जितना लोग चढ़े थे ट्रेन में सितंबर से जनवरी तक, हम लोगों का उससे करीब 15% ज़्यादा लोग चढ़े हैं। क्या कारण है सर इसके पीछे? इसके पीछे है कि एक तो मैं समझता हूँ कि जो लोग जो है वंचित थे अपना टूरिज्म घूमने से या कहीं जाके हॉलीडे मनाने से वंचित थे, वो कोरोना के वजह से जब रेस्ट्रिक्शन ख़त्म हुआ तो लोग बाहर आने लगे थे, और उसमें जो है इसीलिए हम लोग का नंबर ऑफ पैसेंजर्स बढ़े हैं। थैंक यू।